समझना है कि हम बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर कैसे लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट, एंड आपने जो ये फिलअप किया हुआ है जिसमें आपने लिखे हुए आपकी प्रॉब्लम्स, राइट, तो मैं जानना चाहता हूं कि एक एंटरप्रेन्योर को कौन से प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, वो कौन से प्रॉब्लम्स या ऐसे चैलेंजेस फेस करता है, कौन से बताइए मुझे, एक एंटरप्रेन्योर कौन से चैलेंजेस को फेस करता है, कौन से प्रॉब्लम्स को फेस करता है। सॉरी, मार्केटिंग। ओ, सबसे पहला पॉइंट है यार, प्रोडक्ट तो मेरे पास बहुत अच्छा है सर, मगर मार्केटिंग नहीं कर पा रहा हूं मैं। आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है मगर अगर आपको उसको मार्केटिंग करने नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम है क्या? एब्सोल्युटली प्रॉब्लम है ना, राइट? ओके, और क्या है? यस बताइए, मार्केटिंग। ओ, टीम, राइट सर। अभी क्या है ना, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों को रिक्रूट तो कर लेते, उनको ट्रेनिंग भी दे देते, मगर उसको लगता है कि ये धंधा मैं भी कर सकता हूं और छोड़ के जाता है। ये सुनो, तो उसको कैसे टिका के रखे, ऐसा क्या करे सर कि जो मेरे साथ 10, 15, 20, 25, 100 साल तक वो मेरे साथ रहे, ऐसा क्या करे? यस, टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि मैं एज एंटरप्रेन्योर मैं लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूं, मेरा जो मैसेज है लोगों तक पहुंचा नहीं रहा हूं, यानी पहुंचा नहीं होता नहीं मुझे, या मेरे स्टाफ को कम्युनिकेट करना है मगर वो कम्युनिकेशन होता ही नहीं है, राइट? ओके, और कैपिटल, पैसा सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि पैसा ही नहीं सर, तो बिजनेस कैसे शुरू करें? आइडिया तो बहुत अच्छे है मगर पैसा नहीं। आपको सही में लगता है, आपने आपसे एक सवाल पूछी, क्या सही में मनी इज अ मैटर? थिंक अबाउट इट। मेरे पास कितने सारे एग्जाम्पल ऐसे कि जिनके पास एक रुपया भी नहीं था तो भी उन्होंने बिजनेस शुरू किया और आज 3,000 5,000 करोड़ का कंपनी बनाया, कोई पैसा नहीं था उनके पास। आज आप बताओ मार्केट में ऐसे फाइनेंसर बैठे हुए हैं कि आपके ऊपर पैसा लगाने के लिए तैयार है, बस आपको वहां तक पहुंचना है, दैट्स इट। आज कितने सारे कॉन्फ्रेंस होते हैं आपको मालूम है? सिर्फ फाइनेंसर की कॉन्फ्रेंस होते हैं जिसमें अलग अलग एंटरप्रेन्योर आते हैं और अपना आइडिया शेयर करते हैं, उनको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाता है, आपको आइडिया शेयर करना है, अगर उनको आपका आइडिया अच्छा लगा तो आपकी पर्सनल मीटिंग करेंगे और आपके साथ काम करना शुरू करेंगे, आपके पैसा लगाएंगे। कितने लोग आज मार्केट में अवेलेबल है मगर हमको मालूम नहीं है कि वहां तक कैसे पहुंचना है, कैसे जाना है, राइट? ऐसा बहुत है, हमें बाहर से बाहर तक पहुंचने आना चाहिए। सो मनी मुझे लगता नहीं कि कोई मैटर हो सकता है। ओके, और ब्रांड, ओके, ब्रांड कैसे क्रिएट करना चाहिए, राइट? वो एक चैलेंज है बिकॉज आज बहुत बड़े बड़े ब्रांड मार्केट में है तो छोटे ब्रांड को क्या कर रहे, वो खा रहे हैं। yes or no? So, ब्रांड कैसे बनाना, वेरी गुड। और कॉम्पिटिशन, सर एक ही प्रोडक्ट की इतने सारे कॉम्पिटिशन है कि होता क्या है, फिर प्राइस रेस शुरू हो जाता है ना, वो इतने में दे रहा है तो मैं तुझे भी इतने में देता हूं, है ना, तो प्राइस रेस शुरू और हम इसमें फंस जाते हैं और बाद में उठ ही नहीं पाते, है ना, तो उसके लिए वो सब स्किल सीखना पड़ेगा, तो सब स्ट्रेटेजी सीखना पड़ेगा। ओके, वेरी गुड। और क्या है, हाँ, यानी ब्रेक इवन तक सर बिजनेस तो शुरू किया है मगर ब्रेक इवन तक हम पहुंच ही नहीं रहे, है ना, ब्रेक इवन को कैसे हासिल करना। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ब्रेक इवन मतलब क्या होता है, मतलब क्या है, जो आपका बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसमें जो भी आप एक्सपेंस करते हैं, राइट, और जो भी आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है, तो जो एक्सपेंस और रेवेन्यू अगर सेम है, यानी आपका खर्चा महीने का 10 लाख रुपया है और आपका रेवेन्यू भी 10 लाख है, तो आपका क्या हो गया, नो लॉस नो प्रॉफिट, इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और क्या आ गया, ओके, और बिजनेस का पर्पस क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, राइट? जब तक विजन क्लियर नहीं है तब तक कुछ हो नहीं सकता, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, एग्जैक्टली पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में क्या करना है, किस तरीके का बिजनेस करना है। ओके, और क्या प्रॉब्लम है, सब्जेक्ट नॉलेज, मतलब जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उसका मुझे डिटेल्स में नॉलेज नहीं है तो हम बिजनेस में आए क्यों, फिर दूसरों को देख के आए, हमने रिसर्च नहीं किया, मतलब हमने स्टडी नहीं किया कि मार्केट में कितने सारे लोग हैं, है ना, एनालिसिस नहीं किया, जिस वजह से हम लोग फंसे हुए, तो कोई बात नहीं, अगर हम गए हैं उस बिजनेस के अंदर तो हमें उसके बारे में नॉलेज लेना भी जरूरी है, और नॉलेज मार्केट में गूगल बाबा कितना खास है, सब घर बैठे बैठे मिल सकता है, मगर हम जाते नहीं वहां तक, पहुंचते नहीं है। ओके, और
लेबर कॉस्ट ओके रीच ऑफ टारगेट रीच ऑफ ओके टारगेट ऑडियंस यानी जो हमारा प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट है हमारा और उसका जो प्राइस है वो लेने के लिए जो कैपेबल लोग होने चाहिए जो टारगेट ऑडियंस होने चाहिए वहां तक हम पहुंच नहीं रहे राइट तो ये आगे मार्केटिंग का ही पार्ट है ये ओके और लास्ट ओके लेबर का प्रॉब्लम है ओके स्टाफ का प्रॉब्लम ओके नो प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट एब्सोल्युटली बिकॉज एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये जब क्लियर होगा ना तो आपका बिजनेस ऐसा जाएगा अभी क्या हो रहा है ऐसा एंटरप्रेन्योर हमें मालूम ही नहीं है कि मुझे कौन से काम करने ये सुनो वो पीहून का काम भी हम कर रहे हैं चेक डिपॉजिट करने का काम भी हम ही कर रहे हैं वो सब काम हम ही कर रहे हैं जैसा हम गांव आगे देखेंगे क्या क्या होता है राइट तो ये सब चीजें आपने एनालिसिस की आपने एक्सपीरियंस की है या आपने कहा तो आपके बिजनेस पार्टनर या आपके ऐसे कलीग्स होंगे या आपके ऐसे कोई दोस्त होंगे जो बिजनेस चलाते हैं वो उनके पास से सुने होंगे ये प्रॉब्लम्स के बारे में आपने राइट